है आप सब. थैंक यू मैम. पिंक मूवी में अमिताभ बच्चन जी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आई थिंक वो एक लेजेंड है और लोग जब फिल्मों में आते हैं तो उनकी एक ख्वाहिश होती है कि उनके साथ काम करें, और मेरी ये ख्वाहिश मेरी पहली फिल्म में हो गई, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ. बहुत मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम जो बहुत जल्दी पूरा हो गया और बहुत अच्छा भी रहा. सीरियल्स भी करते तो सीरियल्स और मूवी में एक्सपीरियंस कैसा रहा और कहाँ से आपने सीरियल्स स्टार्ट किया? देखिए सीरियल की जर्नी तो बड़ी लंबी है क्योंकि बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत की. बिकॉज एक जर्नी रही है बहुत अच्छी जिसमें क्रिएटिव हेड थी पहले. क्रिएटिव हेड के बाद खुद अपने थॉट्स सोचे, फिर खुद प्रोड्यूस करना शुरू किया. तो एक काफ़ी अच्छी स्मूथ जर्नी. उसके बाद फिर अपने शोज़ की, मेरा पहला शो था राजा की आएगी बारात जो स्टार प्लस पे था. उसके बाद जो जिस शो ने मुझे स्टैंडिंग दी, जो मुझे जो काफ़ी हम मेहनत कर रहे, तो कहते हैं ना कोई एक शो होता है जो आपको आपके काम को लोगों तक लेकर आता है, वो था साथ निभाना साथी है, जिसने लोगों को या हमें एक कॉन्फिडेंस दिया कि हम जो कहना चाहते हैं लोग उसे समझ रहे हैं, उसे देखना चाहते हैं. या जो जो कहते हैं ना कि एक ट्रेंड सेटर रहा जो प्राइम टाइम होते हैं 9-9, 9:30 के बाद 7 बजे पर ले आया. फिर ऐसे कई शोज आए, ससुराल सिमर का, स्वरागनी, और अभी रिसेंटली शक्ति चल रहा है. तो टेलीविजन की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही, बहुत गिरे फिर उठे वैसी जर्नी थी, पर बहुत कुछ सीखा. और उसी सीख को हम जब कहते हैं सीखते, उसी सीख को जब आगे बढ़ाया तो वो फिल्में कहीं ना कहीं आपके लिए नेक्स्ट स्टेप होता है कि टेलीविजन के बाद. तो बड़ी स्मूथली हमने बिना टेलीविजन को इफेक्ट किए हुए कुछ सोचा, और सोचने के दौरान हमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हम सुन रहे थे, सोच रहे थे, जिसमें पिंक हमें टकराई. और पिंक की जब स्टोरी लाइन मैंने सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैं सीरियल्स में करती आ रही हूँ, जो अपनी बात, जो सोसाइटी, जो जो लोगों से हम जुड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं पिंक भी वो खासियत है कि वो लोगों से जुड़ेगी, लोग उससे जुड़ेंगे, और कहीं ना कहीं जो हम सोसाइटी को मिरर की जो दिखाने की जो बातें करते हैं वो शायद ये एग्जैक्टली वो कर सकती है फिल्म. बहुत श्योर नहीं थे बट इंटेंशंस यही थे, तो उसी एफर्ट में इस जर्नी की शुरुआत हुई. देखिए ये मूवी एग्जैक्टली 7th of March को हमने शूटिंग डे था हमारा पहला, वुमेन्स डे. तो वुमेन्स डे पे हमने ये इस फिल्म की पहले दिन का क्लैप हमारा पहला सीन हुआ, और हमने एग्जैक्टली 3-3.5 महीनों में कंप्लीट कर दी. 40-45 days के अंदर हमने पूरी फिल्म को कंप्लीट किया, 3-4 महीने के दौरान में, 3-3.5 महीने. तो कहते हैं बिल्कुल फास्ट रही और बहुत ही स्मूथ रही जर्नी. और बहुत जो समय सोचा गया था टेबल पे कि इस टेबल पे ये प्री प्लानिंग टाइम होगा, ये प्रोडक्शन टाइम होगा, ये पोस्ट वाला टाइम होगा, आई थिंक हमने सारी जर्नी प्लान्ड वे में अचीव की. मैम आपको किस तरह का स्क्रिप्ट्स लिखना पसंद है? देखिए मुझे हर तरह के स्क्रिप्ट पसंद है. ऐसा नहीं कि मुझे बहुत हार्ड हिटिंग, मुझे रोमांस भी बहुत पसंद है, मुझे सस्पेंस थ्रिलर बहुत पसंद है, मैंने टेलीविजन में उसको नेचुरल भी किया है. तो मुझे सब्जेक्ट हर तरह के एक्साइट करते हैं, बट सिर्फ उसमें ध्यान में ये रखती हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट हो वो रिलेटेबल ज़रूर हो, लोग रिलेट करें. अगर हमने किसी शो में सुपरनेचुरल भी दिखाया है तो वो हमने कुछ बहुत अलग नहीं दिखाया, वो शायद नानी दादी की कहानियों में आपने सुना होगा, वो हमारे हमारे किताबों में है. ऐसी नहीं है कि हमने उठ के कुछ भी दिखा दिया. तो पर्सनली मुझे जो मुझे बहुत करीब, मुझे सिंपल कहानियाँ बहुत पसंद है, तो मैं रिलेट कर सकती हूँ बिकॉज एक जर्नी होती है हर किरदार की, हर कहानी की. तो जो कहानी सोसाइटी को कुछ देकर जाए, जो कहानी से लोग उस कहानी को वहीं ना छोड़ दें, चाहे सिनेमा हो तो सिनेमा के थ्रू अपने घर तक लेकर जाए, या कोई एपिसोड हो तो एपिसोड देखने के बाद वो अगले दिन का इंतजार करें, तो वो थॉट प्रोसेस में उनको डालें, ऐसी स्टोरीज लिखना चाहती हूँ. देखिए ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल होता है कि हर सीरियल जो आपका होता है आपके करीब होता है. अगर आप मुझसे कोई पूछेंगे कि मेरे क्रिएटिव हेड के टाइम पे भी कौन सा मेरे लिए मेरा फेवरेट था, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्टी होगी बिकॉज आप हर शो में जान डालते हैं. मैं इस सवाल का जवाब कुछ ऐसे देना चाहूंगी कि
मेरे टर्निंग पॉइंट जो रहा मेरे करियर का या मेरी कंपनी के लिए, वो था साथ निभाना साथिया, जो मेरे लिए बहुत करीब रहेगा, क्योंकि वो एक ऐसा शो था जिसने जिसने हमें वो कहते हैं ना कि सक्सेस की ऊंचाइयां, जो कहते हैं पहली बार आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छा बनाया और वो कन्वर्ट हुआ टीआरपी में या लोगों के प्यार में, तो वो मेरे लिए एक यादगार है। बाकी अगर आप पूछें कौन सा फेवरेट होगा तो मेरे लिए सब बराबर है। जी जी, बहुत ही अच्छा रहा। न्यू कमर्स इनफैक्ट कास्ट ही नहीं, पूरी टीम हमारी न्यू देर नए थे, एक टोटैलिटी में बहुत टीम थी। और एक्सपीरियंस इसलिए अच्छा रहा क्योंकि सबने सबके लिए कहते हैं ना, जब भी हम पहली बार कुछ करते हैं तो आई थिंक आप आवर्स नहीं गिनते हो, घंटे समय नहीं गिनते हो, आप 24 घंटे उस चीज़ों में लगे रहते हो, तो उसका एक ही मज़ा होता है और सबने वही एफर्ट डाला है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैम प्रोड्यूसर डायरेक्टर, किस कौन से प्रोड्यूसर? अच्छा सुजीत जी और उनके साथ। ओके सुजीत साथ बहुत अच्छा रहा ये जितना भी हमने सफ़र तय किया, बिकॉज क्रिएटिवली वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं माइंडसेट बहुत कॉमन थे, इंटेंशंस बहुत सही एक एक पेज पे थे हम, कि हम क्या करना चाहते हैं। हम दोनों का इंटेंशन था कि हमने कमर्शियली ये फिल्म कभी नहीं सोची थी कि हमको इसको बॉक्स ऑफिस पे ले जाना है, कि इसकी हमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस देखने, तो कहीं ना कहीं हम दोनों को ये क्लियर था कि हमें एक ऐसी सब्जेक्ट एक सिंपल वे में रखनी है जो सोसाइटी के लिए आईना हो और कहीं ना कहीं हम अपनी बात को एक अच्छे तरीके से कह सकें। तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सीखा, बहुत कुछ एक्सचेंज किया एक दूसरे से क्रिएटिव थॉट्स, तो बहुत ही बढ़िया जर्नी रही। और डायरेक्टर जो है टोनीदा अनिरुद्ध, जिसे हम लोग प्यार से टोनीदा कहते हैं, उनके साथ तो बहुत ही बहुत सिंपल, बहुत चिल्ड आउट, बहुत ही काम डायरेक्टर हैं, वो भी हाइपर नहीं होते हैं और बहुत अच्छी प्री प्लान साथ वो फ्लोर पर आते हैं, तो बहुत ही बढ़िया। आगे आगे बहुत बहुत कुछ सोचा है, कुछ चीज़ें प्लानिंग प्रोसेस में है, कुछ डिस्कशन लेवल पे हैं, बट मुझे लगता है जैसे जैसे चीज़ें होंगी सही वक्त पे उसे ज़रूर अनाउंस करूँगी।